Hello learners, my name is Poonam Negi and in this lesson we are going to solve some more problem related to the research methodology. Our next question is, what do you consider as the main aim of interdisciplinary research? Matlab jahan aapke ek se jyada discipline involve ho rahe ho. To basically kya hota hai, jo interdisciplinary method hoti hai, wo basically it brings out the holistic approach to research. Ab isko samajhte hain kaise, ki suppose agar aapko kisi school students ke problem ko unko analyze karna hai, unke upar kuch study karni hai, theek hai, to you will need educationist, you will need classroom teachers, you will need clinical psychologist, counselor, guidance worker. To basically ye problem kya hai, कि ये इसका मेन एम क्या है, कि एक होलिस्टिक अप्रोच हम ला सके रिजल्ट के लिए, क्योंकि इट गिव्स अ डिटेल मैपिंग प्लान ऑफ ऑल द डिफ़िकल्टीज लाइंग विद द स्टूडेंट्स साइमल्टेनियसली. बेसिकली जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है उसमें क्या है, वो एक लेटेस्ट इनोवेशन है. इसमें क्या है, दैट द एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक फिनोमेना मस्ट बी डील इन इंटीग्रेटेड फॉर्म instead of disintegrated form to bring out the concept of its holistic point of view. So correct answer is A. Next question is, one of the aim of scientific method in research is to, isme pehla option hai, yeh hai improve data interpretation, confirm triangulation, introduce new variable, eliminate spurious relations. तो बेसिकली जो साइंटिफिक मेथड होता है, इसका एक जो मेन वो है टू एलिमिनेट स्पूरियस रिलेशनशिप, यानी जो फर्जी रिलेशनशिप है किसी, उसमें उनको हटाया जा सके. थर्ड जो क्वेश्चन है वो है, द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय टाइटल ऑफ द रिसर्च, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, टोटल एक्सपेंडिचर, ड्यूरेशन. देखो ड्यूरेशन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई बार बहुत लंबी रिसर्च भी एक इफेक्टिव नहीं, आप उसका डेप्थ नहीं फाइंड आउट कर सकते हो. एक्सपेंडिचर से भी फ़र्क नहीं पड़ता, टाइटल पार्शियली ट्रू है तो इसलिए हम इसको कंप्लीट ट्रू नहीं कह सकते. तो इसलिए जो डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च जो जज होती है, वो होती है उसके ऑब्जेक्टिव से. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन हु, कौन रिसर्च कर सकता है, जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, है पर ज़रूरी नहीं है, हु पजेसेस थिंकिंग एंड रीजनेबल एबिलिटी. लेकिन हो सकता है किसी के पास रीजनिंग और थिंकिंग एबिलिटी हो लेकिन उसके पास डिग्री ना हो, हार्ड वर्कर. ये सारे पार्शियली ट्रू स्टेटमेंट्स हैं. तो इसका करेक्ट आंसर है ए स्टूडेंट और ए पर्सन हु हैज स्टडीड रिसर्च मैथडोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. पहला है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च आर स्टेटेड इन फर्स्ट चैप्टर, ठीक है. रिसर्चर मस्ट पजेस एनालिटिकल एबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, एनालिटिकल एबिलिटी होनी ज़रूरी है. वेरिएबिलिटी इज़ द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी प्रॉब्लम में बहुत ही वेरिएबल है, प्रॉब्लम वेरी कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं वो कॉज करती है प्रॉब्लम को. और लास्ट जो ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ अबव. तो ये कहीं ना कहीं ये सारे स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी सारे ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मैथड ऑफ रिसर्च. हिस्टोरिकल रिसर्च यानी जो हिस्ट्री का फैक्ट हम देखते हैं, सर्वे इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ रिसर्च, फिलोसोफिकल इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ रिसर्च, बट ऑब्जर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च. ये आपका कोई रिसर्च नहीं है बल्कि एक पार्ट है, क्योंकि किसी रिसर्च, क्योंकि जो हमारी रिसर्च होती है वो दो तरीके की होती है, एक प्रैक्टिकल हो सकती है और एक थ्योरेटिकल हो सकती है. तो प्रैक्टिकल में बेसिकली हम क्वेश्चन आयर, सर्वेज, इंटरव्यूज़ और ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशन इन्वॉल्व करते हैं, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च कैन बी क्लासीफाइड एज. तो रिसर्च आपकी बेसिक भी हो सकती है, अप्लाइड होती है, एक्शन, इट इज़ ऑल्सो ट्रू, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है, फिलोसफिकल भी होती है, हिस्टोरिकल होती है, सर्वे होती है, एक्सपेरिमेंटल होती है, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ रिसर्च इज. तो बेसिकली जो स्टेप ऑफ अ रिसर्च होगा वो होगा सर्चिंग अ प्रॉब्लम, क्योंकि सेलेक्टिंग प्रॉब्लम सेलेक्ट तब करोगे ना जब होगी, फाइंड करोगे, फाइंड करने के लिए भी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा. इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी. किसी भी जो स्टेप, फर्स्ट स्टेप है रिसर्च का, वो है कि आप प्रॉब्लम को सर्च कर सको. नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है, द रिसर्च प्रॉब्लम इज फीजिबल ओनली वेन इट हैज़ यूटिलिटी एंड रेलिवेंस, इट इज़ रिसर्चेबल, इट इज़ न्यू एंड एड्स समथिंग टू नॉलेज. तो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो राइट,
इट हैज़ यूटिलिटी या रेलिवेंस होना चाहिए. ऐसे नहीं कि हम कुछ भी कर लें. इट इज़ रिसर्चेबल, इस पर काम किया जा सकता है और न्यू है और ये कुछ ना कुछ ऐड करेगी जो हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें. इट मीन्स ऑल आर करेक्ट. नेक्स्ट है बिबलियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट. इट शोज वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर, हेल्प दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च, हैज़ नो रेलिवेंस टू रिसर्च, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए.